तो दोस्तों ये हमारा खाना चल अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ मलिर ब्रिज के ऊपर जो कि कराची में वाक़ है। सोचा क्यों ना यहाँ से हम ट्रेनें कैप्चर करें। हम हर जगह से ही करते हैं तो आज मेरा इरादा भी है कि 3 से 4 जगह से कैप्चर किया जाए ट्रेनों को। तो फर्स्ट जो मैंने इंतखाब किया वो मलिर ब्रिज का किया। तो यहाँ का वेदर भी काफ़ी कमाल का है, बादल हैं आसमान के ऊपर और गर्मी काफ़ी कम है। सामने शाहराह फैसल है जो कि आपको पुल की सूरत में नज़र आ रहा होगा और इस पे से गाड़ियां गुजर रही हैं। तो साथ साथ मलिर ब्रिज इस तरफ है और उसके सामने जो है शाहराह फैसल ब्रिज है जो कि ठट्टा बदीन की तरफ रास्ता जाता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आसमान भी इस तरीके से बादल आसमान पर हल्के हल्के छा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। तो अभी सामने से जो ट्रेन आएगी वो होगी मेहरान एक्सप्रेस। सबसे पहले हम उसको यहाँ से कैप्चर करेंगे, उसके बाद जो ट्रेन होगी अब ट्रैक से ही होगी वो भी बिज़नेस एक्सप्रेस होगी जो कि कराची से लाहौर के दरमियान चलती है। तो आइए इस खूबसूरत पल को इन्जॉय करते हैं, मेरे साथ रहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस ब्रिज पर पहली ट्रेन जो आज हम कैप्चर करने आ रहे हैं वो है 149 अब मेहरान एक्सप्रेस जो कि कराची से मीरपुर खास के दरमियान सफ़र तय करती है। तो इस खूबसूरत नज़ारे को हम कैमरे से कैप्चर करेंगे और आपकी नज़र करेंगे। तो देखें मिलकर एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये है मलिर ब्रिज खूबसूरत सा जहाँ से आपने अभी मेहरान एक्सप्रेस को देखा, मैंने कैप्चर किया जिस तरीके से। तो इसी के साथ साथ पीछे पाक बिज़नेस एक्सप्रेस भी बिल्कुल 3 मिनट के फ़र्क से आ रही है, तो अब उसको भी हम कैप्चर करेंगे इसी ब्रिज से। आप हमारे साथ ही रहिए। तो दोस्तों आज पाक बिज़नेस एक्सप्रेस को जो इंजन लीड कर रहा है वो है GU 49054। GU 49034। दोस्तों मैं इस टाइम पे लांडी जंक्शन आ चुका हूं और यहां से मैं 15 अप कराची एक्सप्रेस को कैप्चर करूंगा। यहां से इस ट्रेन को PLC दी जाएगी क्योंकि सिग्नल ऑफ है। दादाजी HGMU 30 इसको लगे हुए हैं, ये PLC पकड़ा दी गई है।
8206 IGMU30। गाड़ी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये ट्रेन भी कराची से लाहौर के दरमियान सफ़र तय करती है और कराची स्टेशन से शाम 4:30 बजे निकलती है लाहौर के लिए। इसके स्टॉप्स काफ़ी कम हैं और बेहतरीन ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर इकॉनमी क्लास, एसी बिजनेस, एसी स्टैंडर्ड और एसी स्लीपर भी शामिल है सफ़र के लिए। तो ये है लाडी स्टेशन और वेदर भी बड़ा प्यारा हो रहा है, शाम का टाइम है। लांडी स्टेशन पर मौजूद हूँ, ये 29 किलोमीटर पर वाक़ है। एक कंटेनर ट्रेन आ रही है 4729 लीटर है इसको। ट्रेन आ रही है सामने से, वो है दोस्तों 17 अब्दुल्ला एक्सप्रेस, जो कि कराची से लाला मूसा के दरमियान चलती है। और इसका यहाँ पर स्टेशन नहीं है, तो गाड़ी थ्रू पास है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर PLC सिस्टम है, PLC लेकर ही गाड़ी थ्रू पास होगी। G40 आज इसे लेट कर रहा है। जो डंडा होता है जिससे PLC ली जाती है, और 9044 आज इसको लीड कर रहा है। मिसल है 20 का भाई।
तो दोस्तों ये है लांडी स्टेशन, खूबसूरत सा जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक का रश काफ़ी होता है, यहाँ से काफ़ी पैसेंजर चढ़ते हैं ट्रेन के अंदर, जो कि आपके कोरंगी साइड के, शाह फैसल साइड के हो गए और मलीर के साइड के, तकरीबन ही पैसेंजर यहाँ से ट्रेन में मूव ऑन करते हैं। तो ये सामने का जो रुख है ये है कम्प्लीटली अप साइड का, और पीछे जो आप देख रहे थे वो था डाउन साइड का, जो कि कराची सिटी की तरफ जा रहा था। और ये जो सामने आपको रुख नज़र आ रहा है ये हैदराबाद से लाहौर की तरफ जा रहा है ट्रैक। दोस्तों ये था मैं लांडी स्टेशन पर, और यहाँ से मैंने दो ट्रेनों को कैप्चर किया, जिसमें से एक ट्रेन थी 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन की 15 अप कराची एक्सप्रेस। HGMU 30 लीड पे था। तो दोस्तों एक और लोकेशन चेंज हो चुकी है मेरी, लांडी से मैं आ चुका हूँ मलीर वाइल्डनेस गेट के पास, और सामने से जो ट्रेन आ रही है पाकिस्तान की सबसे पुरानी ट्रेन, 1950 से ये ट्रेन चल रही है, 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस, और ये वाइल्डनेस गेट से अभी थ्रू पास करेगी काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ। तो देख सकते हैं ZCU 30 इसको लगा हुआ है। कराची से मुल्तान के दरमियान चलने वाली SSR कंपनी के अंडर बाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस। तो दोस्तों हम चार लड़के आज रेल फैनिंग कर रहे थे, जो कि अलग अलग जगहों पर हमने रेल फैनिंग की है। अब मैं जाऊंगा बलोच कॉलोनी, वहां से लास्ट सर सैद एक्सप्रेस को कैप्चर करूंगा। इसी के साथ साथ मेरी वीडियो का भी अख्तिताम होगा, मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो दोस्तों आज हमने पूरे दिन रेल फैनिंग की, तो इसी के साथ साथ जाहिर सी बात है पेट को भी भूख लगती है, तो खाना तो खाना ही पड़ता है जिस्म के लिए। तो अब हम खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त तो खूब इंसाफ कर रहे हैं खाने के साथ, तो हम ही पीछे रह गए हैं तो वीडियो बनाने में, तो लिहाजा हम भी इंसाफ करेंगे खाने के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप खाली देख के इंजॉय करें, हम खा के इंजॉय करेंगे।